आज हमारे साथ में मौजूद हैं नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ समाजसेवी विश्वामित्र कोहली जी। सर, जानना चाह रहा हूँ, आज से लगभग 10 या 12 साल पहले रामलीला ग्राउंड के पास जो मंच के पीछे जो जगह है, जहाँ आज मार्केट बना हुआ है, और शमशान भूमि में कुछ ऐसी जगह थी जिसको लेकर विवाद हुआ था। कोई सुना जाता है बरेली के कोई मालिक थे, उन्होंने निर्माण कराना चाहा, यहाँ नगर के लोगों ने विरोध करा, उसमें आप भी शामिल थे, आपके खिलाफ़ FIR हुई, तो यह मामला पूरा क्या था? केशव खंडेलवाल जो थे, इनकी माँ के नाम जो था ज़मीन थी, वो ज़मीन सारी इन्होंने बेच दी, और थोड़ी सी भूमि जो है जो शमशान भूमि के साइड में थी, थोड़ा आधा बीघा के अंदाज में, वो छोड़ दी थी, और ये कह के कि भाई ये शमशान भूमि की तरफ है, थोड़ी सी जगह हमने सारी बेच ली है, ये शमशान भूमि की हम दे देते हैं, और उधर थोड़ा सा रामलीला वाली साइड जो है उधर भी छूट गई थी, तो ये दोनों ज़मीनें छूटी थी। बाद में इन्होंने 12 साल के लगभग पहले आए कि उनके लड़के ने जो है वो उसमें मतलब जो है नी खुदवाना चाही, और नी खुदवाने के बाद जो है उसको भरवाना चाहा था, तो हम गए कि भाई ये शमशान भूमि की जगह है, इसमें जो है आप कोई हस्तक्षेप ना करें, क्योंकि आपके पिताजी ने ये जगह जो थोड़ी सी लगभग आधा बीघा है ये जो है वो शमशान भूमि को दे दी थी, और आप अपनी माता जी को ले आइए, हम उनसे 15 मिनट बातचीत करके और उसको जो है समाधान हो जाएगा, और आपके पिताजी का पत्थर जो है वो लग जाएगा। तो वो जो है अगले हफ्ते जो है फिर अपने मैं फोर्स के जो है आए, और आने के बाद जो है उन्होंने जो थे वो वहाँ पे फिर भरवाना चाही। उस दिन मैं गैर उपस्थित था, उस दिन मैं नवाबगंज में नहीं था, और ये केस जिस दिन हुआ था तो फिर उसमें 9 लोगों के नाम FIR दर्ज हुई, 10वां मेरा नाम भी उसमें जो है वो इन्होंने खंडेलवाल ने जो है वो उसमें FIR में हमारा काफ़ी हंगामा हुआ था, सुना जाता है धरना प्रदर्शन वगैरह भी शायद हुआ था, PSC वगैरह आ गई थी, काफ़ी हंगामा हुआ, और जिस ज़मीन को लेकर आप लोगों ने आंदोलन कराए, चर्चाएं अब ये चल रही हैं कि वो जगह आज से 3 या 4 दिन पहले वो जगह बिक गई है शमशान भूमि की, जिस ज़मीन को लेकर आपके ऊपर FIR हुई, आप लोगों ने विरोध करा, धरना प्रदर्शन करा, अब चर्चाएं वो जगह बिक गई है। देखिए, ऐसा है कि हमने उस समय 7 साल के बाद समझौता खंडेलवाल से हो गया था, और वो लिखित खंडेलवाल से समझौता हुआ था कि जो शमशान भूमि वाली साइड है वो जो है हम शमशान भूमि को दे रहे हैं, और जो दूसरा साइड जो रामलीला वाली साइड है उससे आपका कोई वास्ता नहीं होना चाहिए, उसको हम जो भी करें खरीदें या कुछ भी करें उससे आपका कोई लेन देन नहीं होना चाहिए, इस बात पे हमारा समझौता हो गया, और वो केस जो था वो समझौते के अनुसार जो है वो उसका निर्णय हो गया। जैसे आप, मैं इसमें ये जानना चाह रहा हूँ किससे समझौता हुआ, वो कौन लोग थे? समझौता जो है वो केशव खंडेलवाल जो थे उनसे, जो उनके खंडेलवाल के पुत्र थे जिनके माताजी के नाम ये था, उनसे समझौता हुआ। यानी उनसे ये समझौता हो गया कि जो दो जगह पे वो दावा कर रहे थे, एक रामलीला वाली जगह पे और एक शमशान भूमि वाली जगह पे, आपका ये कहने का मतलब है शमशान भूमि वाली जो जगह थी वो उन्होंने दान कर दी, रामलीला वाली से आपने दावा हटा दिया, यही तो है कहना है आपका? लेकिन अब समस्या ये आ गई है, जिसके पीछे आप लोगों पे FIR हुई, इतना आंदोलन आप लोगों ने कराया, इतना हंगामा हुआ, वो जगह सुना जा रहा है कि बिक गई 3 दिन पहले, किसी बरेली के कुछ लोग व्यक्ति हैं, कुछ नवाबगंज के लोगों के खिलाफ बैनामा हो चुका है उसका। देखिए, ये 420 वाली बात है, और ये बैनामा जो है इनवैलिड होना चाहिए, इसलिए कि हमारा जो है 7 साल केशव खंडेलवाल से जो है वो कोर्ट में केस चला, तमाम धाराओं के अंतर्गत हमारे लोगों को, 10 लोगों के, हमारे लोगों के 7 साल हम भागे, और फिर जो है हमारा लाखों रुपया खर्च हुआ उसमें, और फिर ये समझौता हुआ कि जो शमशान भूमि वाली साइड है वो शमशान भूमि को हम हैंडओवर कर रहे हैं, और जो रामलीला वाली साइड है वो फैसले में जो है ये हुआ कि भाई आप उसको खरीदें या कुछ बनवाएं, कुछ करें, इससे हम लोगों को मतलब नहीं होगा, ये समझौता हुआ था। यानी समझौता के बाद में भी वो बदल गए। एक बार आपसे व्यक्तिगत तौर पे जानना चाहता हूँ, ऐसी क्या लालच है इंसान के अंदर, क्या सोच है, शमशान भूमि की जगह है जहाँ पे इंसान की आखिरी यात्रा होती है, उसमें भी लोग लाभ देखते हैं उसमें, तो क्या इस तरीके की मानसिकता है इन लोगों की? देखिए, समाज सेवी जो हैं, जो होते हैं वो तो समाज की सेवा करते हैं, और जो लोग जो हैं नियम के विरुद्ध हैं, और जो लोग जो हैं इधर उधर की ज़मीनें जो हैं इस तरीके से हेरा फेरी करके और बैनामे करवाते हैं, हमारा सरकार से भी ये अनुरोध है कि वो इन चीज़ों से सख्ती से निपटे, और इस बैनामों को कैंसिल होना चाहिए। तो बैनामा कैंसिल की मांग कर रहे हैं आप? बिल्कुल, हम ये जो नियम के विरुद्ध बैनामे हुए हैं ये जो है इसको जो है कैंसिल होना चाहिए,
वरना जो है हमारा बड़ा सत्याग्रह नवाबगंज में इस विषय पर शुरू हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ में वरिष्ठ समाज सेवी विश्वामित्र कोहली जी, इनकी बात आपने सुनी होगी। मामला क्या है वो भी आपको बता दूं, मामला ये है कि आज से लगभग 10-11 साल पहले नवाबगंज जो बाईपास रामलीला ग्राउंड के सामने कुछ जगह बरेली के कोई केशव खंडेलवाल जी थे उनकी जगह थी, और थोड़ा हिस्सा उनका था शमशान भूमि की तरफ, जिसको लेकर काफ़ी यहाँ पे विवाद हुआ, हंगामा हुआ, लोगों के खिलाफ़ FIR हुई, उसमें कोहली साहब भी थे और काफ़ी लोग थे जिनके खिलाफ़ FIR हुई। उसके बाद में फैसला ये हुआ दोनों पक्षों के बीच में कि रामलीला वाली जो जगह है उसमें यहाँ जो नगर के लोग हैं वो कोई आपत्ति नहीं करेंगे, और बाकी जो जगह है शमशान भूमि की वो शमशान भूमि को दान कर दी जाए। इस पर वो लोग सहमत भी हो गए, लेकिन अब सुना जा रहा है कि उसी जगह का, जिस जगह के पीछे इन लोगों ने आंदोलन करा, इन लोगों के खिलाफ़ FIR हुई, वही जगह का बैनामा आज से 3 दिन पहले हो चुका है। अब कोहली साहब का ये कहना है बैनामा सुनो, नहीं तो बड़े आंदोलन की तरफ ये इशारा कर रहे हैं।